स्वागत करती हूँ फ्रेंड। तो चलिए आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, अगर छोटी चुन्नी है फ्रेंड लहंगे पर बहुत प्रॉब्लम आती है छोटी चुन्नी को किस तरह से डालें। तो मैं आज आपको यही सिखाने वाली हूँ कि शादियों का टाइम चल रहा है तो आप छोटी चुन्नी अगर लहंगे पर है तो आप किस तरह से डाल सकते हैं। फ्रेंड रेडीमेड जो लहंगे होते हैं उनमें ज़्यादातर रेडीमेड जो चुन्नियाँ होती है वो छोटी ही आती है फ्रेंड, 2.5 मीटर की नहीं आती। कंप्लीट जो चुन्नी होती है वो 2.75 मीटर की होती है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, आप लहंगा बनवाओ तो 2.75 मीटर का चुन्नी बनवाइए। जितने भी रेडीमेड लहंगे आते हैं फ्रेंड वो एक्चुअल में क्या है, छोटे होते हैं, 2-2.25 के होते हैं, इससे बड़े नहीं होते। तो अगर आप रेडीमेड लहंगा खरीद रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से चुन्नी डालनी है, बहुत ही जी बताने वाली हूँ। तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट चुन्नी के लिए क्या करना है, अपना जो पल्लू है कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर शोल्डर पर अटैच कर लिया। बाकी जो आपका पीछे का जो एरिया है फ्रेंड, यहाँ से कोने से पकड़ के आपको कमर में अटैच करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल और इजी है फ्रेंड। आप चाहे तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं शोल्डर पर और कुछ इस तरह का लुक दिखेगा फ्रेंड। बहुत प्रीटी सा लुक लगता है फ्रेंड। यहाँ पर आप प्लेट्स बनाकर एक पिन भी लगा सकते हैं। छोटी चुन्नी में मैं आपको 3 स्टाइल बताने वाली हूँ तो आप मुझे जरूर फॉलो कर लें फ्रेंड। आप अपनी कनक की भी बांध सकते हो, वो भी बहुत प्यारी लगती है अगर थोड़ा आपको हैवी लुक दिखाना है तो। चलिए ये होगी फर्स्ट चुन्नी फ्रेंड, मैं आपको 3 तरह की चुन्नी डालना बताऊंगी तो आप मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें। ओके तो ये हो गई आपकी फर्स्ट चुन्नी, तो आप मुझे कॉमेंट करते हुए लिखिए कि फर्स्ट चुन्नी कैसी लगी फ्रेंड। बहुत इजी है और आपको इसमें पार्लर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ सेकंड नंबर। देखिए आपको सेकंड नंबर की जो चुन्नी है उसमें आपको क्या करना है, आपको कोना पकड़ना है एक, पीछे से आगे की ओर लेना है फ्रेंड इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर अटैच कर लेंगे एक कोने को, यहाँ पर आप पिन लगा लेंगे इस तरह से, अंदर से पिन लगा लीजिए। ओके, उसके बाद आप अपने लेफ्ट शोल्डर पर, राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर पर डालेंगे एकदम टाइट, बिल्कुल आपको इस तरह से अपना जो कमर का एरिया है चुन्नी है वो आपको एकदम से टाइट पकड़ के लेना है, यहां से बिल्कुल आपको टाइट रखना है फ्रेंड। जब तक आप टाइट नहीं रखोगे आपकी चुन्नी का बिल्कुल लुक नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको एक पिन लगा देना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये मैरिड गर्ल्स भी बना सकती हैं, अनमैरिड दोनों के लिए काफी अच्छा लगता है। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं फ्रेंड और आपको अपनी फिटिंग दिखानी है, हेल्दी लेडीज के लिए काफी अच्छा लुक है ये। इससे क्या होता है फ्रेंड कि आपका जो कमर का एरिया है वो एकदम फिट हो जाता है और थोड़ा स्लिम दिखता है। हमेशा अगर आपको थोड़ा सा पतला दिखना है फ्रेंड, आप हेल्दी है थोड़ा और आपको पतला दिखना है तो अपना जो लहंगा है ना वो हमेशा नाभि के नीचे बांधिए। ठीक है, अगर आप ऊपर बांधेंगे फ्रेंड तो आपका जो हेल्थ है और वो ज्यादा दिखेगा। बहुत से लोग लहंगा क्यों नहीं पहनते फ्रेंड, मुझे काफी सारे कॉमेंट्स आते हैं और पार्लर पे काफी सारे कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं मैम हम लहंगा नहीं पहनते क्योंकि लहंगे में हम और ज्यादा मोटे दिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है,
थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लहंगे को अपनी नाभि से 3 से 4 अंगुल नीचे पहनिए आप, तो आपका जो फिटिंग है काफी अच्छा आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी टमी नहीं दिखेगी। और अगर आप थोड़े से हेल्थी है फ्रेंड तो आप यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स बनाकर और लहंगे में टच कर लेंगे, इससे क्या होगा, एक तो आपके हैंड फ्री हो जाएंगे और उसके अलावा जो लहंगे का लुक है फ्रेंड वो भी काफी अच्छा आएगा। आपका हैंड फ्री हो गया है, वैसे क्या दिक्कत आती है फ्रेंड, हमारा हैंड पकड़ते हैं, अब आप कैसे भी डांस कीजिए और इसको जो मैरिड मैरिड लेडी हैं या गर्ल्स हैं वो इसको सर पे भी रख सकती है फ्रेंड बहुत आराम से, और बहुत ही सुंदर एक लुक आ जाता है, आप देख सकते हैं, देखिए बैक में भी आपको मैं दिखा देती हूं, बहुत अच्छे से लुक आ गया, इसको कोई भी पहन सकता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम लेडीज के लिए बहुत कम चीजें सिखाई जाती है, देखिए मैं ये फिटिंग आपको बता रही हूँ, आप इस तरह का जो लुक बनाएंगे बहुत ही प्रीटी लगता है और बहुत ही आपको फिट दिखाता है फ्रेंड, तो आप इस तरह का अपना जो चुन्नी है अगर छोटी है तो इस तरह से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई आपकी 2 नंबर की, मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड नंबर आप अगर लहंगे की चुन्नी छोटी है तो आप कैसे डालेंगे, चुन्नी बहुत छोटी होती है फ्रेंड रेडीमेड की, तो आपको क्या करना है यहाँ पर छोटी छोटी आप 2-3 प्लेट्स बना लेंगे, उसको आप जस्ट फ्रंट पे इस तरह से टक कर लेंगे, ओके, हल्का सा इधर टक करने के बाद इस तरह से सिंपली आप अपनी चुन्नी को डाल सकते हैं फ्रेंड, इसमें क्या जैसे आपका बॉर्डर का है तो आपका जो बॉर्डर है दोनों साइड का जो बॉर्डर है वो एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड का आपका जो बॉर्डर है वो एकदम क्लियर दिखाई देगा तो आपका जो चुन्नी का लुक है फ्रेंड बहुत ही सुंदर दिखेगा। थोड़ा मेरा डार्क कलर का लहंगा है उसी चुन्नी है इसलिए आपको दिखाई यहाँ पर बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा, बट आप इस तरह से डालकर देखोगे अगर आपको सेक्सी लुक पहनना है और कुछ डिफरेंट पहनना है तो आप इस तरह का लुक डाल सकते हैं, आप इस पर अपनी कलकती बांधेंगे तो और भी प्यारा लुक लगेगा फ्रेंड, तो चलिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती है, ओके बाय, गुड नाइट।